أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وهادينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقط میں ڈاکٹر شفیع شیرازی حیدرآباد سے آپ تمام ناظرین کرام کی خدمت میں دہ کرامت کی مبارک بادی پیش کرتا ہوں. ہم اس ماہ میں جو ابتدائی اشرا ہے, پہلی تاریخ سے لے کر 11 ذی الحجہ تک, ہم اس 10 دنوں کو دہِ کرامت کے نام سے یاد کرتے ہیں. دہِ کرامت کی نامگزاری کی علت کی وجوہات اس طرح بیان ہوتی ہیں کہ کیونکہ پہلی ذی الحجہ کو حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہوئی ہے, کیونکہ آپ کریم اہل بیت کے نام سے ائمہ کے درمیان میں معروف ہیں. اسی طرح سے 11 ذی الحجہ کو حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے اور آپ بھی کریم اہل بیت ہیں. ویسے تو سبھی ائمہ کریم اہل بیت ہیں, سب کے سب کریم ہیں, لیکن بعض ائمہ کو بعض صفات کے ذریعے سے یاد کیا گیا ہے. حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو چھوڑ کر بقیہ تمام ائمہ معصومین علیہم السلام سب کے سب شہید ہوئے, لیکن صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو سید الشہداء کا لقب ملا. جیسا کہ ہم زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے ہیں کہ تمام کے تمام ائمہ اطہار منبع کرامت ہیں, یعنی کرامت کا سرچشمہ ہے, سب کے سب کریم ہے. کریم کو بطور خلاصہ اگر ہم مانا کریں, کریم یعنی کہ جو بغیر مانگے کے عطا کریں, بغیر سوال کے وہ حاجت روائی کریں اور مشکلات کو برطرف کریں. کریم کی بہت ساری نشانیاں ہیں, جن میں سے ایک نشانی کریم ہونے کی وہ خدمت خلق ہے, یعنی لوگوں کی مدد کرنا. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, الکریم یراہ مکارم ہی افعال ہی دین علیہ یرضی ہے, یعنی کریم انسان نہ صرف مدد کرتا ہے بلکہ مدد کرنے کو وہ اپنا وظیفہ جانتا ہے, ذمہ داری سمجھتا ہے. بس کریم یہ ہے کہ وہ خدمت خلق کرے. جیسا کہ حضرت معصومہ قم کی عظمت سے متعلق, چونکہ اول ذی الحجہ آپ کی ولادت ہوئی ہے, آپ کی بہت
अजमत है। अब देखिए कि ये रिवायत से पता चलता है कि अभी आपकी विलादत नहीं हुई, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातो सलाम आपसे मुतालिक आपकी अजमत को बयान करते हैं। रिवायत के अल्फाज हैं, इन्ना लिल्लाहे हरमन वहुवा मक्का, यानी अल्लाह के लिए हरम है और वो मक्का है। वह इन्ना ले रसूलही हरमन वहुवल मदीना, और अल्लाह के रसूल के लिए भी हरम है और वो मदीने मुनव्वरा है। वह इन्ना ले अमीरिल मोमिनीना हरमन वहुवल कूफा, और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए भी हरम है और वो कूफा है। फिर इरशाद फरमाते हैं इमाम के वलना हरमन वहुवा खुम, और हम अहले बैत के लिए भी हरम है और वो कुम है। रिवायत के अल्फाज ये हैं कि इरशाद होता है वसतुद फनु फीहे इमरातुम मिन वुल्दी तुसम्मा फातिमता मंजारह वजबत लहुल जन्ना। कहते हैं कि ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का जो आशियाने आले मोहम्मद के नाम से खुम जाना जाता है और खुम अहले बैत के लिए हरम है, तो इमाम फरमाते हैं अनकरीब वहां पर हम अहले बैत में से एक खातून वहां पर आपके दफन होगी और उसका नाम है फातिमा, और जिसने भी फातिमा की यानि हजरत मासूम खुम की खुम जियारत की, इमाम फरमाते हैं वजबत लहुल जन्ना, और उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। आप देखिए कि छठे इमाम की यह रिवायत है, फिर उसके बाद इमाम मूसे काजिम अलैहिस्सलाम से मुतालिक एक रिवायत है इसी उनवान पर, फिर उसके बाद इमाम रिजाए गरीब अलैहिस्सलाम इसी उनवान को अपनी रिवायत में पेश फरमाते हैं, फिर इसी तरह से हजरत इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम, यानी सभी आइम्मा ये इरशाद फरमाते हैं कि खुम में जिसने भी जियारत की उस पर जन्नत वाजिब है। लेकिन बाज रिवायात के मुताबिक ये कहा गया है कि आरिफन बेहक्किहा, याने उनके हक की मारिफत के साथ, यूं ही नहीं बल्कि उनकी मारिफत रखते हुए उनके हक को जानते हुए अगर कोई जियारत करता है तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। अजीजा ने मोहतरम, हजरत मासूम खुम के इल्मी मरातिब, और ये ऐसी खातून इल्मी शख्सियत थी कि अभी आप छोटी हैं, आप देखेंगे इस दिन हम रोजे दुख्तर के नाम से हम जो है लोगों में पहचानवाते हैं, कहते हैं कि आपकी विलादत के दिन हम रोजे दुख्तर हमको मनाना चाहिए, यानी लड़कियों का दिन मनाना चाहिए। आप देखें कि हजरत मासूम खुम सलामुल्लाह अलैहा अभी आप छोटी है, हजरत इमाम मूसी काजिम अलैहि सलातो सलाम से कुछ लोग राह दूर से आते हैं और आपसे सवाल करने के लिए आप घर तशरीफ लाते हैं लोग, उस वक्त इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम घर पे तशरीफ फरमा नहीं होते हैं। जो ही वो लोग दखुल बाब करते हैं तो एक छोटी सी बच्ची घर से निकलती है और पूछने पर बतलाती है कि बाबा घर पर नहीं है, तो वो लोग वापस पलटना ही चाहते थे। वो छोटी लड़की उन लोगों से मुखातब होकर कहती है कि जो सवालात लेकर आए हो मुझे बयान करो ताकि मैं तुम्हें जवाब दे सकूं। वो लोगों ने आपके उस बच्ची से यानी इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम की दुख्तर से जो कि कमसिन है सवालात करते हैं, और हजरत मासूम खुम इत्मीनान बख्श जवाब देती है और वो मुतमईन होकर लोग वहां से पलटते हैं, और रास्ते में इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात भी हो जाती है।
तो इमाम पूछते हैं कि क्या तुम्हें इत्मीनान बख्श जवाबात मिल चुके हैं। आप देखिए कि ये होते हैं घराने अहले बैत के, और हजरत मासूम कौम की बहुत ज्यादा फजीलत है, बस उन्हीं की बरकत से ये कौम आज हौज़े इल्मिया जो सारी दुनिया में मारूफ है, आज देखे कि जितने तिश्नगाने इल्म हैं और जितने मसाइल मुसलमानों के पेचीदा मसाइल हैं वो सिर्फ हौज़े इल्मिया खूब उसको हल करता है। तमाम मराजे ग्राम वहां पे तशरीफ फरमा है, हर सवाल का जवाब वहां पर दिया जाता है, और भाईचारे से दुनिया का ये तनहा तरीन आप कह सकते हैं कि एक ऐसा हौज़े इल्मिया है। अगर आप किसी और दुनिया में किसी जगह पे जाएंगे तो वहां पर आपके तासुबियत बढ़ती जाती है, वहां पे मुसलमानों के कुछ तबाखात को, कुछ फिरकों को, कुछ मसलकों को इजाजत होती है हौज़े इल्मिया में शरीक होने की। लेकिन हजरत मासूम कौम के हौज़े इल्मिया की ये फजीलत है कि वहां पे हर मजहब व मिल्लत, हर मसलक से मुताल्लिक फर्द आ सकता है और वो इल्म हासिल कर सकता है। अज़ीज़ान मोहतरमा, अपने बयान को बिल्कुल खुलासे के तौर पे आपके सामने अर्ज करूं कि हजरत इमाम अली रिजा अलैहिस्सलाम इस कदर आपकी फजीलत है कि आपको भी करीम अहले बैत के नाम से जाना जाता है। आप देखेंगे जो भी तीसरे इमाम को माना, ऐसा भी देखने में आया कि वो चौथे को नहीं माना, जो कोई चौथे की इमामत का खायल हुआ वो पांचवें को नहीं माना, जो पांचवें की इमामत को तस्लीम किया वो छोटे इमाम की इमामत को तस्लीम नहीं किया, जो छठे इमाम की इमामत को तस्लीम किया वो सातवें इमाम की इमामत को तस्लीम नहीं किया, लेकिन जो आठवें इमाम की इमामत को जो कोई तस्लीम किया वो बारह इमामों तक जा पहुंचा। यानी जिसने भी आठवें इमाम को अपना इमाम बरहक माना वो गुमराह नहीं हुआ, वो बारहवें तक जा पहुंचा, उसे रास्ता मिल गया। अज़ीज़ान मोहतरम, हर इमाम अपने वक्त में जो कोई पेचीदा मसाइल होते थे आप बहुत ही अच्छे अंदाज में उसको पेश फरमाया करते थे और कोई बहाना आप नहीं छोड़ते थे। आप देखिए इमाम रिजा अलैहिस्सलाम अपने जमाने में इमामत के मसले को आपने उजागर किया और बहुत ही दकीक इमामत के मुतालिक आपने गुफ्तगू फरमाई, और जैसे ही आप निशापुर पहुंचे थे तो 24,000 ऐसे अफराद थे जो इमाम के हदीसों को नकल कर रहे थे, और इमाम के कहने पर बहुत ज्यादा सिफारिश पर इमाम ने रिवायत भी अर्ज की कि जो हदीस सिलसिलतुज़्ज़हब के नाम से मारूफ है, और इमाम ने कहा था कि वो जो सिलसिलतुज़्ज़हब हदीस है वह आना मीन शुरू थी, और वो शरायत में से मैं एक शर्त हूं, यानी जो कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो अम्र में दाखिल हो गया, अम्र के खिले में दाखिल हो गया, और उसकी भी शरायत है, उन शरायत में से मैं एक शर्त हूं। बस हजरत इमाम रिजा अलैहिस्सलाम की बारगाह में, हजरत मासूम कौम की बारगाह में हम हजरत इमाम मोहम्मद तकी जवाद का वास्ता देकर, हम जो कि आज जो जमाने में एक मोहलिक वबा आपके पाई जाती है, बस इस मोहलिक वबा से तमाम इंसानों को, तमाम हैदराने का शियान हैदर कर्रार को परवरदिगारा नजात अता फरमा। والسلام عليكم ورحمة الله